So let's get started now. Okay, so after allowing a discount of 10% on MP, means on marked price. Okay, shopkeeper charged on MP, shopkeeper charged rupees 540 for a watch. Okay, so after allowing a discount of 10% on MP, shopkeeper charged rupees 540 for a watch. Discount dene ke baad, had he not allowed any discount, he would have made a profit of 20%. ठीक है, अगर वो discount नहीं देता तो he would have made a profit of 20%. Okay, so what is the cost price of the watch? ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? See, after allowing a discount of 10%, okay, now CP is not known to me, so let CP is equal to X. Okay, discount was given to you 10%. Okay, so after allowing discount, ठीक है, okay, after allowing a discount, a shopkeeper charged rupees 540 for a watch. So this 540 is nothing but, it is nothing but SP. Okay, so we don't have here MP. ठीक है, MP पे discount देने के बाद ये सारी चीजें आ रही हैं. ठीक है, we don't have here MP now. Okay, so had he not allowed any discount, he would have made a profit of 20%. अगर वो कोई discount नहीं देता, so he would have made a profit of 20%. I think this question we have already done, na? Okay, so we have taken CPX. Okay, and from taking CPX, discount 10%, SP 540, we cannot do anything. Okay, we have this formula that SP is a function of MP. Okay, 10% discount ko directly I'll write 90 upon 100. Okay, so from here SP is how much? 540, because the shopkeeper has charged rupees 540 after giving discount. The discount ke baad jo selling price aaya, that is 540 is equal to MP into 90 upon 100. Okay, तो एक जीरो से एक जीरो यू कैन कैंसिल. ओके, एंड 960 टाइम्स. ओके, तो यहां से एमपी विल बी हाउ मच? एमपी विल बी 600. ओके, तो 600 रुपीस का उसमें मार्क प्राइस था, और उसने बेचा कितने का? डिस्काउंट देने के बाद 10% डिस्काउंट 540 का. ओके, अच्छा, हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट. अब डिस्काउंट देने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट इज नॉट गिवन, बट अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%. ठीक है, उसको कितने का प्रॉफिट होता? 20%. तो डू रिमेंबर दिस पॉइंट कि वो 600 रुपए में वो डिस्काउंट नहीं देता. ठीक है, एमपी इज हियर वेरी इंपॉर्टेंट. एमपी इज द प्राइस. ओके, एमपी इज द प्राइस विच द शॉपकीपर हैज असाइंड. ठीक है, एमपी वो प्राइस है जो शॉपकीपर ने असाइन करा था. ठीक है, तो सपोज देर इज वन आर्टिकल, सपोज देर इज अ वॉच. ओके, सपोज देर इज अ वॉच, सपोज ये एक वॉच है. ओके, और इस वॉच का जो मार्क प्राइस असाइन किया गया है शॉपकीपर ने, वो किया है 600. ठीक है, अब वो डिस्काउंट नहीं दे रहा. ठीक है, हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट, तो अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा, सो दिस एमपी विल बिकम एसपी, क्योंकि वो 600 रुपए में ही बेचेगा. दिस एमपी विल बिकम एसपी ओनली. ठीक है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट्स, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%. इट मीन्स व्हेन ही विल सेल दिस वॉच ऑफ रुपीज 600 ओनली, he will gain 20%. कितना? 20%. तो इस कंडीशन में आपसे क्या पूछ रहा है? इस कंडीशन में पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच. ओके, सो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी. 10 20%
को हम लोग लिखते हैं 120/100। ओके, एसपी इज हियर 600 बिकॉज ही इज नॉट गिविंग एनी डिस्काउंट, सो एमपी विल बी सेम एज एसपी। ओके, इज इक्वल टू सीपी इंटू 120/100। ओके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1250 टाइम्स, सो सीपी विल बी हाउ मच, सीपी विल बी 500 रुपीज। ओके, तो जो कॉस्ट प्राइस थी उस आर्टिकल की, दैट वाज 500 रुपीज। ओके, और उस 500 रुपीज पे 500 रुपीज को उसने अपनी मर्जी से 600 कर दिया, दैट इज नथिंग बट मार्क प्राइस। मार्क प्राइस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, अ प्राइस विच इज रेज्ड बाय द शॉपकीपर इन ऑर्डर टू गिव डिस्काउंट ऑन इट। ठीक है, ओके, सो 500 को 600 कर दिया, और 600 में आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 540 की वॉच पड़ी सेलिंग प्राइस। तो ये कंडीशन दे रहा है, यहाँ से हम लोगों ने, इसी कंडीशन से हम लोगों ने मार्क प्राइस निकाला था विच वॉज 600। अब अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो वो 600 ही सेलिंग प्राइस जाता, और फिर गेन उसको 20% हो जाता, तो वहाँ से हम लोग इजिली सीपी निकाल सकते हैं। सो सीपी इज रुपीज़ 500। ओके।